हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है छुट्टी का दिन और मैंने कोई भी कुकिंग नहीं की, सिर्फ शॉपिंग की थोड़ी बहुत और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट किया। तो थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई मैं, बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें, घरेलू चीज़ें जो मुझे किचन में ज़रूरत होती हैं। तो छुट्टी का दिन भी था और मैंने कहा लाओ थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ मैं। तो मैंने बस ज़रा सी शॉपिंग की, मूड नहीं था मेरा जाने का, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि सामान काफ़ी ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो जो ज़्यादा ज़रूरत का सामान था वो मैं उठा लाई और ये मुझे कंटेनर बहुत अच्छे अच्छे मिल गए जिसमें मैं टमाटो सॉस, मेयोनीज़ वगैरह भर के आराम से रख सकती हूँ। थोड़ी बहुत चॉकलेट्स ले ली बच्चों के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और मुझे फैमिली पैक भी मिल गया। और फिर मैंने कहा इसका मैं केक ज़रूर बनाऊँगी, तो मुझे इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स मिल गए। बस यूँ ही करते करते थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। ये मेरा पियर्स का सोप है, मैं पोमग्रेनेट यूज़ करती हूँ लेकिन मिला नहीं मुझे। और ये मोज़रेला चीज़ ख़त्म हो गया था, वो भी ले आई मैं। और ये बच्चों का फेवरेट चोको पाई। और थोड़ी बहुत और शॉपिंग गई थी, मैं मॉल गई थी तो मैंने वहाँ से भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, थोड़े से यूटेंसिल्स ले लिए बहुत सारे। और ये देखिए मेज़रिंग करने वाले कप्स वगैरह। और ये मैंने कहा अब बेकिंग भी शुरू करूँगी मैं इंशाल्लाह जल्दी, बहुत जल्दी। तो थोड़ा बहुत सामान भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया मैंने। काफ़ी सारा सामान था लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट सारा था। और ये पढ़ाने के लिए मैंने मार्कर्स ले लिए, बहुत ईजी रहता है पढ़ाने में। और वानिया के लिए ये इंक वाले पेन। उसके बाद मैं घर आई तो वानिया के लिए हम लोगों ने मिलके ये बनाया है मैंने स्प्राइट की बॉटल का, और उसके ऊपर बहुत सारी मैंने जो लेस होती है ना वो लगा दी इसमें। और काफ़ी सारी लेसेस थी मेरे पास तो मैंने उसको कट करके ये अच्छे से लगा दिया इसमें। बहुत अच्छा सा लग रहा था, ये फ्लावर पॉट बनाना था मुझे ये, तो लेसेस को काट के ही मैंने इसमें चिपका चिपका के अच्छे से ये बना दिया। तो काफ़ी टाइम से ये उसको क्राफ्ट में मिला हुआ था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूं। मेरे पीछे पड़ी थी कि आप ही को बनाना है, तो मैंने ये थोड़ा सा जुगाड़ लगा लगा के सारा बहुत अच्छे तरीके से इसका बना दिया। और विद इन 3 to 4 hours में ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया। वानिया ने बहुत हेल्प की इसको बनाने के लिए, क्योंकि वाटर बॉटल का कैसे बनता है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही बनाना सही समझा। और काफ़ी अच्छा बना था ये, एक के ऊपर एक बॉटल को चिपका के काट के किसी तरीके से, बहुत मुश्किल हो रहा था ऊपर से काटना इसको। और ये बस बनके तैयार था। ऊपर भी मैंने थोड़ी सी स्टिक्स का बना दिया था, इसमें भी मैंने लेसेस लगाई थी। बहुत आसानी से ये बन भी गया और काफ़ी टाइम भी लगा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। और इसके बाद मैं गई अपने छोटू से गार्डन में जहाँ पर मैंने घुइयां बोई थी और उसके पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए थे। और ये देखिए काफ़ी बड़े हो रहे हैं ये पत्ते, बहुत अच्छा लग रहा था इसको देखकर। मुझे लग रहा था घुइयां थोड़ी सी सड़ गई थी ना, इसलिए मुझे लग रहा था नहीं होगा, लेकिन ये निकलने लगी। मिर्चे के पेड़ भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और दूसरी जगह पर मैंने भी बोई थी घुइयां लेकिन वहाँ नहीं निकली, शायद पानी नहीं पड़ने की वजह से हो सकता है नहीं निकली यहाँ पर, लेकिन बाकी के प्लांट्स देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग गए थे अपनी बहन के घर, वहाँ पर ये मिट्ठू बैठे हुए थे। और मिट्ठू से मिलने के बाद हम लोग ने काफी देर बैडमिंटन भी खेला वहाँ पर। छोटा सा है ये तो, छोटू सा ये नींबू का है या नार का है? आम का है। और कौन सा पेड़ है? कौन सा है? और यहाँ पे बैठा है ये, ये देखो ये वो है मीठी नीम है, करी पत्ता है छोटा सा। अरे वो जो लटका नहीं रहता ये वाला पेड़ है, पत्ते भी जाके खाते नहीं है वो वाला पेड़ लग रहा है। कौन सा? हाँ साउथ इंडियन खाते हैं। गन्ने का भी तो पेड़ लगा है, यहाँ पे आम का भी पेड़ लगा है। लाल लाल देखो हो रही हो तुम, ये तो मेहंदी का पेड़ बड़ा हो गया। बैगन का पेड़ किस चीज का है? ये मेरे पास भी है लेकिन आज तक उसमें पेड़ नहीं निकले, और ना फ्लावर्स निकले। नहीं 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 नहीं, ये आम नहीं है, आम का ऐसा नहीं होता, इसमें छोटे छोटे से लगी हुई है।
किचन का है। नहीं नहीं जो नहीं, अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने देखा अंगूर के पेड़ पर, जो मेरे दूसरी तरफ का प्लॉट है उसकी में, उसकी छत पे टीन पड़े हुए हैं, उस पर मैंने अंगूर बिछा दिए थे। तो काफ़ी सारे अंगूर के मतलब बंचेस इसमें निकल रहे थे। बहुत देख के खुशी हुई, आज पहली बार मेरी नज़र पड़ी, काफ़ी पुराना हो गया था। और ये मैंने चने डाल दिए थे यहाँ पर, तो चने का साग भी निकल आया है। और ये पुदीना बहुत अच्छा लग रहा था इसको देखकर, सड़ गया था मैंने तब भी बो दिया था इसको। और ये देखिए बहुत अच्छे से निकल आया, एक से दो, दो से तीन, बहुत अच्छा लग रहा था ये हरा हरा देखकर। और यहाँ पर मेरा बेले के पेड़ में भी फ्लावरिंग होने लगी है, बडिंग होने लगी। ये देखिए बहुत अच्छे से बड्स लग रहे थे। और ये मोगरे के पेड़,